1000 रुपये से काम शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का हर दिया हुआ हर चीज़ है। यानी कि अभी कारोबार की कंडीशन क्या है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो यानी कि बेहतरीन है माशाल्लाह, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे दुकानें भी बनाई, प्रॉपर्टी भी बनाई, हर चीज़ की इसी कारोबार से यानी कि हर चीज़ को गेन किया है। जी जी, तो ये शॉप जो है ये आपकी ज़ाती शॉप है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये ज़ाती। मैं खुश आमदीद, इस चैनल में हम कामयाब कारोबारी अफराद से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की, ताकि हमारे देखने वाले इन तजर्बात से इस्तेफादा कर सकें। कामयाब कारोबार के लिए ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक अच्छे कारोबारी आइडिया की ज़रूरत होती है। आप कम सरमाए से भी कारोबार शुरू करें और आस्ता आस्ता से काम को बढ़ाएँ और साथ साथ अच्छे तजर्बाकार शख्स से वक्तन फ़क्तन मशवरा भी लेते रहें और अपनी गलतियों से सीखें और दोबारा गलतियों को ना दोहराएं। आजकल पाकिस्तान के हर घर में बाइक मौजूद है और बाइक स्पेयर पार्ट्स का सदाबहार किस्म का कारोबार है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करा रहे हैं जिन्होंने 15,000 से कारोबार शुरू करके अपनी ज़ाती दुकान, अपना घर खरीदा और अपने कारोबार को वसी किया। इस वक्त हम मौजूद हैं स्पेयर पार्ट्स की एक शॉप पर, हमारे साथ मौजूद है रहमान साहब, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। रहमान साहब क्या हाल है आपका? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही करम अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाएं, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा ही एहसान है, मालिक का बड़ा ही करम है, बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके पास स्पेयर पार्ट्स की कौन कौन सी मेन आइटम है? हमारे पास मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स में मेजर हमारी जो अपनी मैनुफैक्चरिंग है वो रबर पार्ट्स की स्पेयर पार्ट्स है। टोटल मोटरसाइकिल जितना भी रबड़ ग्रिप सेट, फुटर्स रबड़ वगैरह, ये इस रबड़ की आइटम हमारे पास खुद अपनी यानी कि बनती है। इसके अलावा हमारे पास मोटरसाइकिल के इशारे, लाइटें, बैकलाइटें, ये चीज़ें भी हमारे पास मौजूद है इसमें यानी कि इस जी। कौन कौन सी मोटरसाइकिल? 70, 125, 100? इसमें हमारे पास तकरीबन कोई 60 से 65 मोटरसाइकिलों का सामान मौजूद है, जिसमें रोड पेंस, यूनाइटेड मोटरसाइकिल, CD70, यामा, कावासाकी, सुजुकी, हर किस्म की मोटरसाइकिल हमारे पास उसका सामान मौजूद है, रबड़ आइटम में अवेलेबल होता है। अच्छा रहमान साहब, आपको ये कारोबार करते हुए कितना अरसा हो गया? अच्छा, मुझे इस कारोबार में बेसिकली हमारा ये भाई जो सा पिछला शुरू से कारोबार है वो तकरीबन 40-45 साल से हमारे बड़े कर रहे हैं। मुझे इस कारोबार में आए तकरीबन 16 से 17 साल हो गए। आपने ये कारोबार कितने सरमाए से स्टार्ट किया था और शुरू में आपका बिजनेस कैसा था? मैंने ये यानी कि कारोबार था, मैं अपने चाचू के पास पहले काम करता था, मैंने वहाँ से यानी कि जब इस अपने काम दुकान पे उन्होंने कहा काम शुरू करना है, तो फिर उन्होंने मुझे स्टैंडअप के लिए एक छोटी सी अमाउंट दी, तो फिर मैंने उस पर उसी अमाउंट में 10-15 हज़ार रुपये से काम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का हर दिया हुआ हर चीज़ है। यानी कि अभी कारोबार की कंडीशन क्या है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो यानी कि बेहतरीन है माशाल्लाह, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे दुकानें भी बनाई, प्रॉपर्टी भी बनाई, हर चीज़ की इसी कारोबार से यानी कि हर चीज़ को गेन किया है। जी, तो ये शॉप जो है ये आपकी ज़ाती शॉप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये ज़ाती शॉप है। आप ये जो सामान है ये कहाँ से खरीदते हैं? ये सामान मोटरसाइकिल की जो सी रबड़ आइटम है ये तो हमारी अपनी फैक्ट्री है, वहाँ पे ही बनता है। ज़्यादा मेरे यानी कि तायाबू के बेटे हैं वो भी यही काम करते हैं, तो उनसे उनकी फैक्ट्री में भी ये बनता है, हमारी खुद की भी मशीनें हैं तो हम वहाँ पे भी ये यानी कि रबड़ की आइटम बनती है हमारी। बाकी ये बाटी आइटम जो सी हैं वो हम मुख्तलिफ मैनुफैक्चरर्स हज़रात से लेते हैं, इशारे वगैरह ये वो चीज़, लेकिन हमारे चाचू का एक ये शोभा भी है, वो इशारे वगैरह भी बनाते हैं, लाइटें वगैरह बनाते हैं, उनका काम वीरा ऑटो पार्ट्स के नाम से बड़ा मशहूर है। अगर कोई दोस्त ये कारोबार करना चाहता है तो ये कितने सरमाए से शुरू किया जा सकता है? असल में सर इसमें 3-4 कंडीशन है, कोई यानी कि रिटेल में अगर काम करना चाहता है तो ये 40-50 हज़ार से भी वो बहुत अच्छा ही अच्छे लेवल पे यानी कि इस काम को स्टार्ट कर सकता है। मज़ीद अगर आपने होलसेल में करना है तो होलसेल के लिए आपको उस हिसाब से आपके पास जगह का तयन होना चाहिए कि आपकी किस मार्केट में शॉप है, किस लेवल का करना है। अगर आपने मिक्स माल का करना है तो वो अलहदा कंडीशन है। रबड़ के काम में अगर मैं तो कहूँगा 20,000 से भी आप यानी कि अच्छा काम सप्लाई में शुरू कर सकते हैं होलसेल का। यानी कि अगर कोई दोस्त 20,000 से काम शुरू करता है
तो वो मंथली इतना कमा सकता है कि अपने घरेलू अखराजात पूरे कर सके। जी जी, वजन वैसे तो आप बेसिकली एक आइटम भी मोटरसाइकिल की कोई पकड़ लें स्पेयर पार्ट्स में, फर्ज करें रबड़ की एक आइटम पकड़ लेते हैं, दुमची होगी, एक दुमची को आप यानी कि 10,000-20,000 रुपये में से अगर इतना चला लेते हैं कि एक दिन में आप उसको यानी कि सर्कुलेट करते हैं और सप्लाई करते हैं, लोअर पूरे में घूमते हैं आप और मुख्तलिफ दुकानों पर जाके माल देते हैं, तो वो आपको तकरीबन कम से कम 2-3 हज़ार रुपया तो आपको उसके बचत दे देगा, 20,000 रुपया डेली की। अच्छा, कारोबार शुरू करने के लिए दुकान का इंतखाब जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो आप कोई मशवरा देना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी जगह हो कि जिस जगह कारोबार बेहतर चल सकता हो? अच्छा, इसके लिए मेन बेसिकली पॉइंट यही देखना चाहिए कि जहाँ पे आपको नज़र आता हो कि काफ़ी दुकानें यहाँ पे पहले ही हैं इस मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स के रिलेटेड, नहीं तो आप मेन रोड्स जो होती हैं ना, मेन यानी कि शहराज इस तरह होती हैं, जिस तरह हम लाहौर में बात करें तो आपके पास मॉडल इधर टाउनशिप की मार्केट हो गई, मिडन रोड लिडन रोड की मार्केटें हो गई, यहाँ पे आप एक रिटेल की दुकान तो कर सकते हैं, कोई आपको इतना मुश्किल भी नहीं होगी, लेकिन आपको रिटेल की दुकान छोटी सी को 2-3 हज़ार किराए पर बंदा ले कर एक मकैनिक साथ रखे तो बंदा ये काम कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। कामयाब कारोबार के लिए किन असूलों का होना जरूरी है जिन पर कामयाब असूल जो है वो कारोबार के, मैं जहाँ तक समझता हूँ वो यही होने चाहिए कि इसमें इंसान को एक तो खलाकियात के अंदर काम करना चाहिए रह के, और दूसरा लेन देन उसका ठीक होना चाहिए, उसके बाद उसको अपनी ज़बान पे कायम होना चाहिए, मतलब कि ये कुछ असूल हैं कारोबार के कि आप उसमें कुछ दो राय नहीं है। अगर कोई दोस्त ये काम सीखना चाहता है तो कितने अरसे में ये सीख सकता है? अच्छा, कोई दोस्त अगर ये काम सीखना चाहता है वो तो 2-3 माह, ये मेरे पास एक दो लड़के हैं ये 3-4 माह इन्होंने मेरे पास काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ज़्यादा ट्रेन है, यानी कि उनको यानी कि मुझे कहना नहीं पड़ता, कोई भी ऑर्डर होता है वो खुद ही निकाल लेते हैं, यानी कि इतना यानी कि वो ट्रेन हो गए, 3-4 माह लगते हैं, बंदा बेहतरीन काम सीख जाता है। इस कारोबार में प्रॉफिट मार्जिन कितना है? अच्छा, आप प्रॉफिट मार्जिन रबड़ आइटम्स और ये दूसरी आइटम्स में मेरे हिसाब से कम 20-25%, 30% आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है, अच्छा मार्जिन यानी कि इस कारोबार के अंदर आता है आपको। जो लोग नया कारोबार करना चाहते हैं उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं जो नया कारोबार करना चाहते हैं उनको बहुत अच्छा मशवरा यही दूंगा कि मोटरसाइकिल के काम में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी है, इसके स्पेयर पार्ट्स का काम बहुत यानी कि लोग काफ़ी लोग बाहर से आते हैं मुल्कों से, वो उनसे पूछो तो वो ये कह रहे होते हैं यार हम दुबई थे या हम फलान जगह थे, अब वहाँ से हम छोड़ के तो अब ये आए हैं, तो हमने सोचा कि ये कारोबार मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स का बहुत अच्छा है तो इस ये काम करें, तो मैं भी उनको यही मशवरा दूंगा कि आप ये मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स में काम करें, बहुत अच्छी यानी कि इसमें इनकम रेशो है। अगर कोई छोटे लेवल से सेलमैन के तौर पर आपका सामान खरीदना चाहता है तो उसको कोई आप खास सहूलत देंगे कि सामान सस्ता दे दें? जी जी, हमारी दुकान पे सेलमैनों के लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे उनकी अपनी ही दुकान है, जैसे जब उनका दिल करे जिस तरह मर्जी पूरे पाकिस्तान में जो हमसे ताल्लुक जोड़ेगा यानी कि हमारे से ले माल लेगा उसके लिए हमारा बिल्कुल तावुन है, कोई मसला नहीं है, ये उनकी अपनी दुकान है। अगर कोई आपसे सामान मंगवाना चाहता है तो उसका क्या तरीका? अच्छा, हमारे पास सामान मंगवाने के तरीके का इस तरह है कि लोग जिस तरह ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, पंजाब बलोचिस्तान सिंध हर जगह से, सिंध में काफ़ी दुकानदार हैं मेरे, सरगोधा फैसलाबाद इस तरह पंजाब में भी काफ़ी दुकानदार हैं, वो हमें फ़ोन करते हैं, हमें ऑर्डर लिखवाते हैं, हमें पेमेंट हमारे अकाउंट्स में ऑनलाइन करवा देते हैं, फिर हम यहाँ से उनको माल बिल्टी करवा देते हैं, वो अगले दिन उनको मिल जाता है। अगर कोई आपकी दुकान पर आना चाहता है तो आप एड्रेस समझा देंगे? जी जी, हमारा मेट्रो रोड पे किसी से भी आके वो पूछ ले कि हमारा बेसिकली आबिद रबड़ वाले मेन हमारे यानी कि स्लोगन ये चलता है मशहूर है जी। उस तरह हमारा जद्दी पुश्ती जो स्लोगन है वो तारिक रबड़ वाले हैं मशहूर, और वैसे हमारी दुकान का जो एड्रेस है वो है शाही मस्जिद सुबहान सेंटर नज़द सदार स्ट्रीट मेक्लोड रोड लाहौर। जी, बड़ा शुक्रिया रहमान साहब आपका, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। जज़ाकअल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खुदा।